अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये शीट के साथ एक छोटा सा पंखा बना के दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बच्चे गर्मी में बहुत शौक के साथ वो बनाते हैं, वो बहुत ही आसान है, आप उसे कंप्यूटर शीट के साथ भी बना सकते हैं, उस सादी शीट के साथ भी बना सकते हैं। आए हम चलते अपनी वीडियो की यानी दोस्तों, सबसे पहले हमने ये एक शीट ले ली है, ये देखें दोस्तों, इसको हमने बिल्कुल बराबर तय कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से दरमियान में से इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, ये देखें दोस्तों, इसको अब हम काट के बराबर कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से हम इसको काट देंगे, ये देखें, इस तरह से हमने सबसे पहले इसको काट लेना है। इसके बाद हम इसको एक साइड से तकरीबन पेज का चौथा हिस्सा हम इसका काट देते हैं, ये देखें दोस्तों, इस तरह से हमने इसका चौथा हिस्सा काट देना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास इतना सा सफ़र रह गया है। इसके बाद हम इसको इस एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे, ये देखें, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, ये देखें, इसी तरह पहले हमें एक तरह इस उस एक साइड से फोल्ड करके फिर उसी साइड उसी जगह को दूसरी साइड से फोल्ड कर देते हैं, उसी पर उतने बिल्कुल बराबर। इसी तरह हम फिर पहली बार साइड से फोल्ड कर देंगे, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, ये देखें, ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, इसी तरह हम सारी शीट को फोल्ड कर लेते हैं, और ये जो हमारा एंड पे थोड़ा सा कागज बचा है, इस एक्स्ट्रा हम इसको काट देंगे सीजर के साथ, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको काट दिया है, ये हमारा पेज इस तरह इस शेप में आ गया है। और अब हम इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको एक साइड से फोल्ड कर देना है, और दूसरी साइड से हमने इसको इस तरह से खींच के थोड़ा सा खोल देना है, ये देखें दोस्तों, ये हमारा छोटा सा पंखा तैयार हो चुका है। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।